हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट वीडियो आ गया, तो कॉपी पेन निकाल लो। आज बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, क्या सेम होती है जैसी स्ट्रेट चेन साइक्लिक चेन की, या कुछ डिफरेंस है, ये हमें देखना है। तो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका प्यारा चैनल फिजिक्स वाला। पेन कॉपी निकालिए और शुरू करिए नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। बच्चों, ये बेंजीन बड़ा ही खूबसूरत सा एक कंपाउंड है। बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H6। स्ट्रक्चर इसका बना है तो कार्बन 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 कार्बन, सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगे होंगे। और इस रिंग के अंदर तीन डबल बॉन्ड होंगे ऑल्टरनेट, एक यहां बना लिया, एक यहां बना लिया, एक यहां, कहीं भी तीन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बना सकते हो आप। चाहो तो इन तीनों को हटा के बची हुई पोजीशन पे बता दो, यहां यहां और यहां, तीन डबल बॉन्ड रिंग के अंदर और तीन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसको हम बेंजीन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन, ठीक है। स्पेशल नेम दे दिया। चाहो तो इसका आप आईयूपीएसी नेम कर सकते थे। आप बोलते यहां से काउंट करते 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन, तो आप बोलते साइक्लो हेक्स। कहां कहां डबल बॉन्ड कहां कहां है? 1 3 5 ट्राईन बोल सकते थे, साइक्लोहेक्स 1, 3, 5 ट्राईन। पर आईयूपीएसी ने कहा कि इस नाम को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम इसका जो नाम एक्सेप्ट करेंगे वो होगा बेंजीन। इसका ये नाम इतना पॉपुलर हो गया कि इसको प्रायोरिटी हम इसके ऊपर देने लगे, साइक्लोहेक्स 1, 3, 5 ट्राईन। कोई आपको ये लिख के दे तो भी आप यही स्ट्रक्चर बनाओगे। साइक्लोहेक्स मतलब छह कार्बन, और क्या बोलना है, 1, 3 और 5 पे इन मतलब डबल बॉन्ड, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड और 5 पे डबल बॉन्ड, बनेगा तो यही स्ट्रक्चर है ना। तो बेंजीन को हम कैसे बनाते हैं? ए ऐसे ऐसे बनाते हैं, हाइड्रोजन को शो नहीं करते, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर बच्चों, एक फिनोमेना है रेजोनेंस का, जो यहां हम नहीं पढ़ रहे, जीओसी में पढ़ेंगे। रेजोनेंस बोलता है चाहे आप ये स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे आप ये स्ट्रक्चर बनाओ, देखना ध्यान से, टुर, 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 बोलता है दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ध्यान से देखो क्या हुआ है, डबल बॉन्ड जहां जहां थे उन पोजिशन से हटके जहां जहां नहीं थे वहां पर आ गए। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके बेंजीन का, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर बेंजीन का हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है ये स्ट्रक्चर बेंजीन का सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। ये क्या हुआ, ये हमने बोला कि डबल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। इसके अंदर डबल बॉन्ड जो होता है ये डीलोकलाइज्ड होता है। वर्ड पकड़ लो, क्या बोल रहा, डीलोकलाइज्ड, अपनी जगह पे लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब कहीं लोकल जगह पे रुकना, रुकता नहीं है, डीलोकलाइज्ड, अपनी जगह से मूव करता रहता है। ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहां, जरा ध्यान से देखो, ये वाला डबल बॉन्ड यहां ऊपर, ये वाला डबल बॉन्ड यहां, ये वाला डबल बॉन्ड यहां, ये इसको बोलते हैं कि डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड। ये पाई होता है ना, एक सिग्मा एक पाई, तो बोलते हैं कि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है। तो पाई यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। एनीवेज, ये हमारा आज का डिस्कशन नहीं है। ऐसे कंपाउंड को आज से हम क्या बोलेंगे, बेंजीन। नाम होना क्या चाहिए था ये, पर आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन एक्चुअल में फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, एक्चुअल में पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है, तो नाम दे दिया बेंजीन। ऐसा बना हो, ऐसा बना हो, ऐसा बना हो, या ऐसा बना हो, सबको बेंजीन बोलना है। ये इन सभी कंपाउंड का नाम आज से बेंजीन, या लिखा हो C6H6, क्या बोल देंगे, बेंजीन। C6H6 दिख रहा है, छह कार्बन, छह हाइड्रोजन और तीन डबल बॉन्ड, क्लियर है, बेंजीन।
तो बच्चों साइक्लोहेक्स 1.3.5 ट्राइन नहीं यूज करेंगे, यूज करेंगे बेंजीन। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे होता है या तो बीच में एक सर्किल बना होगा। सर्किल क्या दिखा रहा कि डबल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, हर जगह डबल बॉन्ड पहुंच सकता है। चलो ये तो बेसिक बात हुई। अब बेंजीन की नंबरिंग कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, तो मैं एग्जांपल देता जाता हूं। सबसे पहले मैं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूं, आप नेमिंग करना। और एक चीज और सुनो, बेंजीन के केस में कॉमन नेमिंग बहुत फेमस है, तो कहीं कहीं पे मैं कॉमन नेम बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा वरना आप पागल हो जाओगे, बहुत फेमस है कॉमन नेमिंग। चलो एक सबसे पहला एग्जांपल ये, और यहां मैंने लगा दिया बीआर। तो बच्चों फर्स्ट नंबर पे बीआर है तो क्या बोलोगे, ब्रोमो, और मेन चेन का नाम क्या है, बेंजीन। तो नाम पड़ जाएगा ब्रोमो बेंजीन, इजी है। चाहो तो वन ब्रोमो बेंजीन बोलते यहां फर्स्ट नंबर लिख के, पर फर्स्ट नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो दूसरा देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, दूसरा कंपाउंड देखें, यहां ब्रोमो, यहां मान लो मैंने लगा लिया LO2 नाइट्रो। अब बताइए नंबरिंग किधर से करें, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, अब किधर से नंबरिंग करना अच्छा होगा, उधर से अच्छा होगा जिधर से अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट छोटा हो, ये बी ये एन, तो 1 2 3 4 सो 1 ब्रोमो और बोलो डैश 4 नाइट्रो और 6 कार्बन, सॉरी इसका नाम बेंजीन, 6 कार्बन नहीं इसका नाम बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। चलिए एग्जांपल नंबर थर्ड, पहले इजी इजी करा रहा हूं, ध्यान से देखना अगला एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। बी आर चलिए अब इसका नेम क्या होगा, सोच के लिखिएगा। बीआर भी लगा है, सीएल भी लगा है, NO2 भी लगा है, किधर से नंबरिंग करना प्रेफर करेंगे आप, किधर से नंबरिंग करेंगे, यहां से। बच्चों यहां से करने में नुकसान है, अल्फाबेट वाला रूल काफी बाद में आता है, उसके पहले आता है कि सभी सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दिया जाए, क्या दिया जाए, लोएस्ट नंबर। अल्फाबेट रूल तो लास्ट में है जब सब फंस जाए, इधर से भी फर्स्ट नंबर मिल रहा है, इधर से भी फर्स्ट, इधर से चलेंगे तो इसको फोर्थ, इधर से चलेंगे तो इसको फोर्थ, यहां ऐसा नहीं है। यहां जरा ये नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पे है, 2 पे है और 4 पे है। आप जो नंबरिंग सोच रहे थे वो सोचो, 1 2 3 4 अगर मैं यहां से स्टार्ट करता 1 2 3 4 तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे मिलता, 1 पे 3 पे 4 पे, कौन सा बेटर है बच्चों, ये कि ये वाला, पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों में 1 पे है, दूसरा इसमें कहां मिल जा रहा, 2 पे, सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज बेटर, मिटा दूं, ये वाला गलत हो गया और ये वाला बेटर है। और कौन सा दिमाग में चल रहा है, एक ये चल रहा है कि यहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 इसमें भी फायदा नहीं, पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 पे और तीसरा कहां मिल रहा, 5 पे, और इसमें तीसरा 4 पे, तो ये भी अच्छा नहीं, तो इस आइडिया को भी हटा दो। समझ में आया, सब्स्टिट्यूएंट की जो नंबरिंग हो सबसे क्लोजेस्ट नंबर मिले, ये सबसे क्लोजेस्ट है 1 2 4, इससे अच्छा नहीं मिलेगा, अल्फाबेट इसके बाद का ऑर्डर है। सो अब इसको नाम करेंगे, नेमिंग अल्फाबेटिकली करते हैं, पर नंबरिंग तो यह होगी 5 6 नंबरिंग इसको फर्स्ट, यहां देने का मतलब नहीं 1 2 3 4 5 नहीं, और कोई तरीका नहीं, तो 4 ब्रोमो -1 क्लोरो -2 नाइट्रो और पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग और नेमिंग समझ में आ गई है, ये वाला पक्का समझ में आया है, इसमें ब्रोमीन से नंबरिंग मत करना, वो लास्ट रूल है। पहले देखो कि सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबरिंग मिल रहा है वो सबसे लोएस्ट कैसे मिल सकता है, सभी सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट, और कंपेयर कर लो, 1 के बाद 2, यहां 1 के बाद 3, ये हार गया, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 2 के बाद 5, ये हार गया, ये जीत गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 3 एग्जाम्पल हुए ना अभी, ओके चलिए एग्जाम्पल नंबर 4th लेते हैं।
और फिफ्थ भी ले लेते हैं। चलिए इसका नाम क्या होगा बच्चों, फर्स्ट नंबर पे मिथाइल लगा है तो हम बोल देंगे मिथाइल बेंजीन। यहां फर्स्ट नंबर पे इथाइल लगा है तो बोल देंगे इथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन ये हो गया इथाइल बेंजीन। ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम है टोलीन। कॉमन नेम है टोलीन। क्या नेम है? टोलीन। बहुत फेमस है, जहां बहुत फेमस होगा वहां मैं लिख दूंगा। कॉमन नेम है टोलीन, ठीक है। अच्छा, बेंजीन के केसेस में कई कॉमन नेम ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट देखें, CH3। अब यहां से मैं एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। वैसे आप नाम लिखें पहले इसका, क्या लिखेंगे? 1, 2 यही करेंगे, 1, 2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये लिखेंगे 1, 2 डाइमिथाइल बेंजीन। अच्छा, और एक और देखो, चलिए इनका नाम लिखें, ये हो जाएगा 1, 2, 3 1, 3 डाइमिथाइल बेंजीन, और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 1, 4 डाइमिथाइल बेंजीन। बोलो सही लिख रहा हूं? 1, 2, 3, 4 1, 4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब बच्चों बेंजीन के नोमेनक्लेचर में, वैसे तो कॉमन नेमिंग का तरीका है, पर एक बड़ा फेमस कहानी है जो आपको यहां समझनी पड़ेगी। नोट करें इसको। जैसे मान लीजिए यहां कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी बगल वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, बगल के बगल वाली को बोलते हैं मेटा, और इसके अपोजिट वाली पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा। है तो ये कॉमन नेमिंग, पर बड़ा फेमस है। जस्ट बगल वाली को ऑर्थो, उसके बगल वाली को मेटा, और जस्ट अपोजिट वाली को पैरा। जैसे इस तरफ भी ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, दोनों तरफ ऑर्थो मेटा पैरा। याद कर सकते हो ओम प्रकाश, ओम प्रकाश ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा ओम प्रकाश। अब जैसे इस वाले में आओ तो हम बोल सकते हैं कि जो दो मिथाइल हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बगल बगल में है। बगल वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। इस तरह से भी नेमिंग की जाती है बेंजीन के कंपाउंड की। इस पे आओ, 1, 2, 3 मतलब एक छोड़ के बगल बगल, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है? मेटा। अगर एक छोड़ के हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? मेटा। तो इसका नाम पड़ जाएगा मेटा डाइमिथाइल, और क्या लिख लोगे? बेंजीन। ये वाला देखो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट, अपोजिट को पैरा, तो इसका नाम पड़ जाएगा पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। ऑर्थो जस्ट बगल में, मेटा एक छोड़ के, पैरा जस्ट अपोजिट। ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। बताने को बहुत कुछ बता सकते हैं, जैसे इसका कॉमन नेम जाइलीन भी है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो जाइलीन, कॉमन नेम है, इसको बोलेंगे मेटा जाइलीन। ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रही है ये, और इसको बोलते हैं पैरा जाइलीन, ठीक है। जाइलीन होता है 2CH3 ग्रुप, पर ये सब बहुत ज्यादा कॉमन नेमिंग हो गई, इस पर हमको डिस्कशन नहीं करना। ऑर्थो मेटा पैरा कम से कम आप जान जाइए, जान गए हैं ऑर्थो मेटा पैरा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में ऑर्थो मेटा पैरा आपको हम कराते रहेंगे। IUPAC में तो नंबरिंग ही करनी है, 1, 2, 3, 4 ठीक है। आओ, पूछ रहे हो सर कौन सा सही होगा, ऑर्थो वाला कि 1, 2, 3, 4? अगर 1, 2, 3, 4 और ऑर्थो मेटा पैरा दोनों मिल रहा है तो नंबरिंग वाला ज्यादा सही है, ठीक है। नंबरिंग वाला अगर दोनों ऑप्शन में है, एक में नंबरिंग दे रहा है, एक में ऑर्थो मेटा पैरा दे रहा, तो नंबरिंग वाला ज्यादा अच्छा IUPAC। चलिए नंबर 9th एग्जाम्पल। अब मैं फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूं इसमें। यहां फंक्शन ग्रुप मैंने लगाया OH, अल्कोहल। तो बच्चों ये है बेंजीन, और अल्कोहल के लिए यूज करते थे ऑल, तो बेंजीन 1 ऑल, बेंजीन 1
ऑल। बच्चों इसको आईयूपीएसी ने कटवा दिया और बोला इसका नाम ये नहीं, इसका नाम आज से पड़ गया फिनॉल। देर इज नो बेंजीन वन ऑल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेंजीन वन ऑल लग रहा नहीं, आईयूपीएसी ने कहा इसका नाम फिनॉल। तो तैयार हो जाओ, कई कंपाउंड के नेमिंग आपको अब सीखने इसी तरह से, बेंजीन वन ऑल ना ना ना, फिनॉल यस यस यस। सेकेंड टेंथ एक और फंक्शन ग्रुप लगाऊं, चलो ये लगाता हूं CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बेंजीन वन अल, एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते थे नहीं, आईयूपीएसी ने ये भी कटवा दिया, बेंजीन वन अल हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या नाम यूज करेंगे? बेंजल्डिहाइड, ये सही है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन वन अल एग्जिस्ट नहीं करता, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। जरा इसको देखो, कीटोन दिखाऊं, कीटोन दिखाऊं, चलो कीटोन देखो, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या हो गया? कीटोन, ठीक है, ये कीटोन है ना। अच्छा इसका कॉमन नेम पहले देखो, मिथाइल, और इस ग्रुप को क्या बोलोगे? फिनाइल कीटोन। मैंने बताया था ना कीटोन में दोनों तरफ के सब्स्टिट्यूएंट को अल्काइल की तरह बोल के नाम लिख दो कीटोन, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल और इस तरफ फिनाइल और साथ में यूज करो कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। देखो बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम बेंजाइल नहीं पड़ता, जैसे मिथेन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? मिथाइल। पर बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। बट फिर ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है। इसका एक कॉमन नेम और ज्यादा फेमस है, वो है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। किताबों में इसका ज्यादातर जगह आपको नाम ये दिखेगा एसिटोफिनोन। क्या ये आईयूपीएसी एक्सेप्ट करता है? बिल्कुल, दिस इज एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी। क्या ये एक्सेप्ट करता है? ये तो पूरी तरह से कॉमन नेम है, ये पूरी तरह से एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी, एसिटोफिनोन। जैसे इसका नाम फिनॉल रख दिया, वैसे ही जैसे इसका नाम बेंजल्डिहाइड, इसका नाम एसिटोफिनोन। पर जिसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम है, बच्चों इन दोनों में से मेन चेन कौन है? फंक्शनल ग्रुप इनके पास है तो ये मेन चेन हो गए, वन टू, वन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? फिनाइल, वन फिनाइल दो कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन, इथेन वन ओन, वन फिनाइल इथेन वन ओन, यहां से ई काट दिया क्योंकि ओ आने वाला, वन फिनाइल इथेन वन ओन, चाहो तो यहां से वन हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम आप दोनों जगह से वन हटा के लिख सकते हो फिनाइल इथेन ओन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी नेमिंग कई बच्चे गलत करके आते हैं, आईयूपीएसी नेम इसका मिथाइल फिनाइल कीटोन लिखोगे गलत हो जाएगा, एसिटोफिनोन लिखोगे वो भी गलत हो जाएगा। अगर करेक्ट आईयूपीएसी नाम बात करें तो सिर्फ यही है फिनाइल। अगर मान लो क्लैश कर जाए, चार ऑप्शन में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो करेक्ट नेमिंग कौन सी है? वन फिनाइल इथेन वन ओन इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस ग्रुप कीटोन के लिए। ये अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, फेमस तो नाम इसका एसिटोफिनोन भी है, चार ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ एसिटोफिनोन सही है तो मार के आ जाना, समझ रहे हो? सब ऑप्शन गलत है तो फिर इसी को सही मानोगे, एप्रोप्रिएट बोलता है ना, एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट ये, बट अगर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो दिस इज द एप्रोप्रिएट। देन ट्वेल्थ, तो एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अब ले लेते हैं नाइट्राइल ग्रुप, सी ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्राइल, तो इसका नेमिंग क्या देंगे? बेंजीन नाइट्राइल, तो इन्होंने बोला आप ये बोल लो बेंजो नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल की जगह इसका नाम क्या दे दिया? बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। अब एक बात सुनो, स्पेशली इसमें और इसमें एक कहानी नहीं आई, इसका नाम अगर मैं ये लिखता बेंजीन की रिंग है, ठीक है, है, और ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड।
क्या इसका कार्बन काउंट हुआ है? नहीं. अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं कार्बो एल्डिहाइड. स्पेशल नोमेनक्लेचर मैंने कई बार पढ़ाया कि वो फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन हो, वो फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन हो जो चेन के एंड में आए, अगर उनका कार्बन काउंट ना हो तो उनके लिए स्पेशल नेम यूज करते हैं. जैसे एल्डिहाइड के लिए था कार्बो एल्डिहाइड, तो इसका नाम बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड. अब यहां पे बहुत सही मसला फंसता है कि बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड करेक्ट है कि बेंजल्डिहाइड करेक्ट है. देखो अभी तक तो आया नहीं है, पर जिस दिन आएगा उस दिन बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड विल बी मोर करेक्ट, क्योंकि ये 93 रिकमेंडेशन में बताया है. बाद में ये सब पुराना नोमेनक्लेचर है, ये काफी लेटेस्ट नोमेनक्लेचर है. तो अगर बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में कंफ्यूजन करता है तो आप बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड को करेक्ट मानोगे. बोलोगे सर ये सिखाते क्यों नहीं, इतना फेमस हो गया ये नाम कि अब इसको सही सिखाना पॉसिबल नहीं बचा. जैसे इसकी बात करें, साइनाइड ग्रुप जिसको नाइट्राइल बोलते हो, ये ऐसा ग्रुप है जिसके पास कार्बन है और चेन के एंड में भी मिलता है, तो इसके लिए भी एक अलग से नाम है कार्बोनाइट्राइल, पर तब यूज करते हैं जब इसका कार्बन काउंट ना हो. यहां पे देखो इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, बेंजीन का मतलब 6 कार्बन, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इज मोर करेक्ट. कोई पूछे इन दोनों से ज्यादा करेक्ट कौन है, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल. पर किताबों में यह नाम दिखता ही नहीं. रीजन फिर मैं बता रहा हूं, बेंजोनाइट्राइल इतना फेमस हो गया कि बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बताने का मौका नहीं मिला किसी ऑथर को. पर अगर दोनों में ऑप्शन देता है तो बेंजीन और उसके साथ लगा क्या है, कार्बोनाइट्राइल. ये नाइट्राइल ग्रुप नहीं, नाइट्राइल तब होता था, याद करो. जैसे इसका नाम मैं पूछूं क्या है, ध्यान से सुनो, तो इसका नाम आप बोलोगे इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल. और मैं आपकी बात से एग्री करूंगा. इथेन नाइट्राइल का मतलब कि आपने ये कार्बन भी चेन में गिना, ये 4 कार्बन भी गिना, पर बेंजोनाइट्राइल में तो आपने सिर्फ बेंजीन ग्रुप गिना है ना, समझ रहे हो. जब साइनाइड का कार्बन गिना नहीं जाता तो उसको नाइट्राइल नहीं बोल सकते, उसको कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं. खैर बेंजो का मतलब ही यही होता है कि एक कार्बन लगा है उसकी 3 वैलेंसी खाली है. दोनों सही है, मोर अप्रोप्रिएट ये है, बस ये समझो. ये भी सही है, 4 ऑप्शन आए दोनों दे दिया तो ये बेटर है. क्लियर है, नोट करो, सब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं. बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल. कीटोन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कीटोन में कार्बन तो होता है पर कीटोन चेन के एंड में नहीं होता, तो इसके लिए ऐसी कोई कहानी नहीं है. ठीक है, कीटोन में कॉमन नेमिंग है कि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लो, मिथाइल फिनाइल कीटोन, या सिंपल इसके पास मेन फंक्शन ग्रुप है तो 1 पे फिनाइल इथेन 1 ओन. मिटार दे, कई लोग को लग रहा है गलत पढ़ा रहा हूं, भाई 100% सही बता रहे हैं, टेंशन मत लो. ठीक है, वो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है नंबरिंग करने में, ये करने में, बट जो यहां पे जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसमें कभी भी गलती नहीं होगी. तो 12 के बाद चलते हैं नंबर 13 पे. तो नाइट्राइल ग्रुप भी हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, अब क्या बचा, एसिड ग्रुप पे आ जाए. आइए एसिड ग्रुप COOH. तो देखो इसका नाम पड़ेगा बेंजीन 1-ओइक एसिड, और इसको IUPAC ने कटवा दिया कि ये नेम यूज नहीं करना. उन्होंने कहा इसका नाम है बेंजोइक एसिड. क्या नाम है, बेंजोइक एसिड, करेक्ट, बेंजोइक एसिड. अगर हम अपनी लॉजिक से चले कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कार्बन भी है, चेन के एंड में भी है, और इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, जब इसका कार्बन काउंट नहीं होता तो इसको हम ओइक एसिड नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, तो इसका नाम बनेगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब आप बोलो कि कौन सा सही है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी सही है, बेंजोइक एसिड भी सही है. किताबों में यह ज्यादा मिलता है, पर 4 ऑप्शन आएंगे तो यह ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा. किताबों में यह मिलता है बेंजोइक एसिड, किताबों में यह मिलता है बेंजोनाइट्राइड, बेंजल्डिहाइड, यह किताबों में ज्यादा मिलेगा. नंबर 15 एसिड हो गया. अब एसिड हैलाइड, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, मान लो Cl लगा दूं, Cl, Br, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं, एसिड हैलाइड. इसका जो नाम एक्सेप्टेड है बच्चों वो है बेंजोइल क्लोराइड या बेंजोइल ब्रोमाइड या बेंजोइल आयोडाइड,
जो भी लगा दे, बेंजोइल फ्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, करेक्ट है ये। अब आप हमारी लॉजिक के हिसाब से चलो कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऑयल हैलाइड, एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड है ना, और ये चेन के एंड में आता है, इसके लिए हम लोग ने क्या नाम डिसाइड किया हुआ है? क्या इसका कार्बन काउंट हो रहा है? नहीं, बेंजीन का मतलब सिर्फ 6 कार्बन जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, बेंजीन। जब इसका कार्बन काउंट नहीं होता तो हम बोलते हैं कार्बोनिल हैलाइड, तो इसका नाम पड़ेगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। किताब में कौन सा मिलता है? ये वाला, ये वाला नहीं मिलता, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है ये, पर यूज आप यही करोगे जगह जगह, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड का मतलब बेंजीन की रिंग और उससे जुड़ा हुआ कार्बोनिल, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के साथ कौन जुड़ा है? क्लोराइड। इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, इन सब बातों में कंफ्यूजन आपको रहती थी, सब क्लियर हो जाएगी, बेंजोइल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, एज इट इज फॉलो करिए जो बता रहे हैं, अभी टेंशन मत लीजिए। 15, चलिए चलते हैं 16वें नंबर पे, एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड हो गया, अमाइड नहीं हुआ, चलिए अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये हो गया अमाइड। अगर हम सिंपल नेमिंग से चलते तो लिखते बेंजीन वन अमाइड, बेंजीन वन अमाइड, आईयूपीएसी ने इसको कटवा दिया, बोला बेंजीन वन अमाइड यूज नहीं करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे बेंजामाइड। क्या नाम डाला इसका? बेंजामाइड, बेंजामाइड करेक्ट नेम, बेंजामाइड आईयूपीएसी ने डलवा दिया, बोला बेंजीन वन अमाइड मत लिखो, लिखो बेंजामाइड। अगर हम अपने हिसाब से चलें तो अमाइड ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है, चेन के एंड में आता है, अगर हम लिखें बेंजीन मतलब 6 कार्बन विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो इसके लिए हमने नाम रखा था कार्बोक्सामाइड, तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सा, कार्बोक्सामाइड में हमारे हिसाब से नहीं है, 93 रिकमेंडेशन ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब दोनों देता है तो एप्रोप्रिएट कौन है? बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ये बेंजीन रिंग, अमाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ, तब लिखते हैं कार्बोक्सामाइड, तो बेंजामाइड भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बुक में कौन सा मिलेगा? बुक में ये मिलेगा, चारों में करेक्ट कौन होगा? ये करेक्ट होगा, एप्रोप्रिएट। अदरवाइज आप धड़ल्ले से यूज तो बेंजामाइड, आप धड़ल्ले से यूज बेंजोइक एसिड, आप यूज करोगे बेंजोइल क्लोराइड, देखना मतलब धीमे धीमे आपकी 2 साल में आदत पड़ जाएगी इस नेम की, बेंजोइक एसिड, इसके लिए बेंजोइल क्लोराइड, इसके लिए बेंजामाइड, बट जो एप्रोप्रिएट एकदम है वो ये है। 17, तो अमाइड भी हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर की बारी आई, आइए तो एस्टर लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री। एस्टर की नेमिंग क्या होती थी? अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल ग्रुप वो होता था जो ओ से जुड़ा हो, यहां सी एच थ्री जुड़ा है तो हो जाएगा मिथाइल, और ये ग्रुप है बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, इस एस्टर का नाम है मिथाइल बेंजोएट, क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हो पाया था, तो इसकी भी नेमिंग हम लिख सकते हैं अपने तरह से, क्या लिखोगे पहले? मिथाइल, मिथाइल ले लिया। अब बेंजीन, पूरी रिंग किसकी है? बेंजीन की, मिथाइल बेंजीन। अब एस्टर के लिए ऐसे तो नाम होता है अल्काइल एल्केनोएट, किताबों में तो यही मिलने वाला है मिथाइल बेंजोएट, ये सही है, आईयूपीएसी भी इसको एक्सेप्ट करती है, पर हम बता रहे हैं क्योंकि एस्टर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन है और चेन के एंड में ही मिलता है, सो मिथाइल और इस रिंग के लिए बेंजीन, और ऐसे के लिए लिखते हैं हम कार्बोक्सीमेट, क्या लिखते हैं? कार्बोक्सीलेट, सो कार्बो ऑक्सीलेट। कार्बो वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि इसके पास एक कार्बन था जो काउंट नहीं हुआ था।
सभी में देखो आप कार्बो वर्ड आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ था, यह कार्बोनिल ग्रुप काउंट नहीं हुआ है। तो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट इज द मोर एप्रोप्रिएट नेम, बट व्हाट इज मोस्ट यूज्ड, मोर यूज्ड इज मिथाइल बेंजोएट, या इथाइल लगा हो तो इथाइल बेंजोएट। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है नीचे वाले नाम से? करेक्ट नेमिंग बता रहा हूं। एस्टर में जब ये कार्बन काउंट नहीं हो तो नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलेट। अमाइड में जब ये कार्बन काउंट नहीं हो नाम लिखते हैं कार्बोक्सामाइड। काउंट हो जाए तो अमाइड। एसिड में ये कार्बन काउंट हो जाए तो ओइक एसिड, काउंट नहीं हो तो कार्बोक्सिलिक। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई। तो 17 अभी तक एग्जाम्पल हो गए हैं। एस्टर भी हो गया, अमाइड भी हो गया, एल्डिहाइड कीटोन भी हो गया, साइनाइड भी हो गया। अब क्या बचा? अब क्या बचा? ईथर और अमीन। चलो ईथर देखते हैं। मान लो हमें लगा के दिया OCH3। तो बच्चों ये ईथर है, कॉमन नेमिंग लिखोगे मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल और ईथर। आयुपैक नेम ईथर का क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी बोलते हैं छोटी चेन को, यहां पे छोटी चेन ये है, तो आप बोलोगे मिथॉक्सी बेंजीन। एल्कोक्सी एल्केन मिथॉक्सी बेंजीन, दो कार्बन होंगे तो इथॉक्सी बेंजीन। ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है ना वैसे भी। ईथर की नेमिंग याद है, एल्कोक्सी एल्केन। चलिए नंबर 19 पे चलते हैं, अमीन ग्रुप की बात करते हैं। मान लीजिए यहां पे NH2 लगा दिया, तो बेंजीन 1 अमीन, या इसका नाम अमीनो बेंजीन, पर IUPAC ने इसका नया नाम रख दिया, बोला इसको आप बोलो एनिलीन। जैसे फिनॉल बोलते हो वैसे ही उन्होंने कहा इसका नाम बोलो एनिलीन। लिखने को आप लिख सकते हो बेंजीन अमीन, लिखने को इसका नाम आप लिख सकते हो बेंजीन अमीन या अमीनो बेंजीन, पर IUPAC ने इसके लिए रिकमेंड किया नेम एनिलीन। ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है? कौन सा मोर करेक्ट है? मोर करेक्ट ये है बेंजीन अमीन, बट आपको ये जल्दी मिलेगा ही नहीं, आपको इसका नाम हमेशा क्या दिखेगा एनिलीन। हाँ, डिपेंड करता है, इससे अच्छा फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तब तो अमीनो करके यूज करोगे। ठीक है, तो बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन या एनिलीन। एनिलीन इज मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर। तो यहां पे आपका अमीन ग्रुप भी हो गया। तो मेरे ख्याल से सारे फंक्शनल ग्रुप हमने कवर कर लिए, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड, एसिड, हैलाइड। बात करते हैं जब बेंजीन की रिंग में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो तब नेमिंग कैसे करनी है। चलिए तो उठा लेते हैं एग्जांपल नंबर 20 से मेरे ख्याल से। तो यार चलो इसको फर्स्ट नंबर डालता हूं। तो यार सबसे पहले मैं यहां पे एक OH, यहां पे एक OH, तो दो अल्कोहल ग्रुप लगे हैं। इसका करेक्ट नेम आप लिखेंगे बेंजीन 1.2 डायोल। अब इसको फिनॉल नहीं बोलेंगे, एक लगा होता तो फिनॉल बोलते, दो लगा है तो बेंजीन 1.2 डायोल। ठीक है, इसको कई लोग ये भी लिखते हैं 1.2 डाय हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब IUPAC में ये करेक्ट है कि ये मोर करेक्ट है, दोनों सही हैं पर दिस इज मोर करेक्ट, बेंजीन 1.2 डायोल। इसका कॉमन नेम कैटेकोहॉल है, पर मुझे कॉमन नेम आपको और नहीं सिखाने हैं। चलो दूसरा देखो, मान लो दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं मैं, COOH और यहां पे भी COOH, तो जनरली तो इसका नाम क्या पड़ता अगर एक ही COOH होता तो? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक, पर दो लग गए तो हम बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं। ठीक है, इसे कॉमन नेम में आप ये भी लिख सकते थे बेंजीन डैश ऑर्थो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्थो पोजीशन है ना 1.2। ठीक है, चलो और मिलाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। CHO
CHO. So 1.3 हो गया, तो बेंजीन 1.3. अब ये कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ, डाई कार्बो एल्डिहाइड 1.3 की जगह आप और क्या यूज कर सकते थे, मेटा. आईयूपीएसी में कौन सा सही है, ये वाला मेटा. देखो ये होती दो पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये दो पैरा. सो मेटा डाई कार्बो एल्डिहाइड. तो दो दो लगा के मैंने आपको दिखा दिए, क्लियर है. चलिए अब फंक्शन ग्रुप्स मल्टीपल लगाते हैं. तीन एग्जांपल हुए अभी. चलिए बताइए इसकी नेमिंग फोर्थ. चलिए हमसे कहा इसकी नेमिंग करिए. अब यहां पे एक एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, एक एसिड और एक ब्रोमीन है सब्स्टिट्यूट. तो इसमें प्राइमरी फंक्शन ग्रुप एसिड बनेगा 1. अब किधर चले, 2, 3 पे क्या मिल रहा, ये क्या है सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट में इसका नाम क्या पड़ता है, फॉर्माइल. और ये क्या है सब्स्टिट्यूट, इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्रोमो. अब ये मत देखना कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है, एक सब्स्टिट्यूट रह गया है. तो अब आप अल्फाबेटिकली जज करो कि एफ की बी, तो मेरे ख्याल से तो बी. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 पे सब्स्टिट्यूट है ब्रोमो और 5 पे है फॉर्माइल. जब एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूट बनता है तो क्या बोलते हैं, फॉर्माइल. 3 ब्रोमो 5 फॉर्माइल, 6 कार्बन. वैसे तो बेंजोइक एसिड है, सीधा लिख दो बेंजोइक एसिड. ये मेन रिंग किसकी थी, बेंजोइक एसिड की. 3 ब्रोमो 5 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड. अब इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी. चलो नेक्स्ट देखो. अब कुछ नया नहीं मिलेगा, सब पढ़ी हुई चीजें मिलेगी. CO NH2 C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड OH. चलो बोलो इसका नेमिंग लिखना है. अब इन तीनों में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये कौन सा है अमाइड, ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है साइनाइड. प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइड, तो यहां तो फर्स्ट नंबर पड़ेगा ही पड़ेगा. अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या आप लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, साइनो. इसका नाम क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, फॉर्माइल. फर्स्ट नंबर तो अमाइड को ही मिलेगा. अब देखो इस तरफ सब्स्टिट्यूएंट पास मिल रहा 2 नंबर पे, अल्फाबेट देखने की जरूरत ही नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अल्फाबेटिकली नाम लिखो. 2 सबसे पहले 5 पे आएगा साइनो, 5 साइनो डैश 2 फॉर्माइल हो गया. अब इस रिंग का नाम क्या लिखते थे हम, बेंजामाइड. अभी सिखाया था बेंजीनामाइड नहीं, बेंजामाइड, बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड लिखोगे तो भी सही है, बेंजामाइड. क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मल्टीपल फंक्शन ग्रुप में. चलो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ हो गया. नंबर सिक्स, थोड़ा और बेहतरीन एग्जांपल देते हैं, एस्टर के दो एग्जांपल कराते हैं. सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, सारे एग्जांपल एस्टर कराता हूं, खूब ढेर सारे. और यहां से ले लो तुम ओ एच, यहां लगा लो तुम सी एन. चलो अब हमसे कहा इसकी नेमिंग करिए. तो भाई साहब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप या तो अल्कोहल या तो साइनाइड या तो एस्टर, तो मेरे ख्याल से तो एस्टर होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है. सो 1, अब इधर सब्स्टिट्यूएंट साइनो मिल रहा कितने नंबर पे, 3 पे. और इधर सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी मिल रहा कितने नंबर पे, 3 पे. अब इन दोनों को प्रायोरिटी से मत कंपेयर करना, सिर्फ अल्फाबेट से कंपेयर, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट. तो H की C, मेरे ख्याल से C बेटर है अल्फाबेटिकली, 2, 3, 4, 5, 6 सो 3 साइनो डैश 5 हाइड्रोक्सी. अब देखो ये ओवरऑल है क्या, ओवरऑल है ये एक एस्टर. एस्टर की नेमिंग क्या होती है, एल्काइल एल्केनोएट. तो सबसे पहले एल्काइल, तो CH3 का नाम सबसे पहले, इन सबसे पहले मिथाइल, सबसे पहले एल्काइल का नेम.
ओवरऑल ये है क्या कंपाउंड, ये कंपाउंड ओवरऑल एक एस्टर है। एस्टर की नेमिंग होती है अल्काइल, फिर इसकी नेमिंग करते हैं एल्केनोइड। तो पहले अल्काइल, फिर 3-साइनो-5-हाइड्रोक्सी और बेंजोएट। मिथाइल 3-साइनो-5-हाइड्रोक्सी बेंजोएट। जरा मैं एस्टर की नेमिंग और कराता हूं, थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। एस्टर की थोड़ी सी नेमिंग और देखो, 6th 7th, एक प्यारा सा यहां पे चेंज करूंगा मैं, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। मान लो ये कहानी है। अब देखो इसमें से नेमिंग क्या होती है एस्टर की, अल्काइल एल्केनोइड। इस बार ध्यान से देखो, ये पार्ट अल्काइल है। अल्काइल वो पार्ट होता है जो ओ से जुड़ा हो। यहां ओ से मिथाइल ग्रुप जुड़ा था तो मिथाइल, यहां ओ से ये जुड़ा है यानी ये अल्काइल है। अल्काइल के वक्त इसका नाम क्या बनता है, फिनाइल। सो फिनाइल और दो कार्बन, 1-2 यानी 1-2 यानी इथेन ओएट, फिनाइल इथेन ओएट। क्लियर है, बेंजोएट नहीं लिखना इसका नाम। ओ से जो ग्रुप जुड़ता है वो अल्काइल बनता है, तो फिनाइल इथेनोएट एस्टर की तरह। क्लियर है। अच्छा अभी एस्टर में ही और नेमिंग कराता हूं, एस्टर को सब्स्टिट्यूएंट बनाता हूं। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टी डी टी 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 डी टी डी टी टी डी टी टी डी डी टी टी डी डी टी टी डी टी टी डी। चलिए मान लीजिए हमसे कहा इसकी नेमिंग करनी है। अब यहां पे तीन फंक्शन ग्रुप है, ये एस्टर है, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है। प्राइमरी फंक्शन ग्रुप एसिड बनेगा, फर्स्ट नंबर इस कार्बन को गया। अब 2-3-3 पे मिल रहा है एस्टर, 2-3-3 पे मिल रहा है एल्डिहाइड। एस्टर के लिए जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। यहां पे एल्कोक्सी क्या है, ई, तो इथोक्सी कार्बोनिल। एस्टर जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो इथोक्सी कार्बोनिल। और इसके लिए यूज होगा फॉर्माइल। तो बच्चों पहले कौन आया, पहले ई आया, तो 1-2-3-4-5-6। तो आप बोलोगे 3-ethoxycarbonyl सब्स्टिट्यूएंट हो गया एस्टर ग्रुप, डैश 5-formyl, और ये मेन लिंक क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब एस्टर की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। फंक्शन ग्रुप भी बन सकता है, सब्स्टिट्यूएंट भी बन सकता है। जरा ये देखो, इसका नेमिंग क्या लिखेंगे। अब अल्कोहल और अमीन में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अल्कोहल और अमीन में से याद है सी या का, सी या का, साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल। और अमीन अभी तक नहीं आया, अमीन इसके भी नीचे जाती है प्रायोरिटी। सो इसकी ज्यादा है, तो 1-2, तो 2-amino पूरे का नाम, 2-amino और नाम क्या पड़ेगा, फिनॉल, ठीक है। और क्या लिख सकते थे, ऑर्थो अमीनो फिनॉल, ठीक है। इंटरनेट पे इसका नाम देखोगे तो दूसरा नाम भी देता है, इसका ये नाम दे देता है इंटरनेट पे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिलीन। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इसको मेन फंक्शन ग्रुप मान रहे हैं और इसको सब्स्टिट्यूएंट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिलीन। तो कॉमन नेमिंग के हिसाब से तो सही है, कॉमन नेमिंग के हिसाब से ये भी सही है। आईयूपीएसी के हिसाब से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है और उसके हिसाब से सिर्फ यही सही है, 2-amino फिनॉल। आप ये भी लिख सकते थे 2-hydroxy एनिलीन, तो हम समझ जाएंगे भाई, हमसे कोई बोलेगा एनिलीन तो एनिलीन हम समझ जाएंगे, बेंजीन अमीन ये बनाना है मुझे, बेंजीन अमीन, ठीक है। अब बोला 2 पे हाइड्रोक्सी तो बगल में यहां OH लगा लिया, पर आईयूपीएसी के हिसाब से सिर्फ ये सही है। क्लियर हो रहा है, तो कॉमन नेमिंग बहुत ढेर सारी हो सकती हैं, बट आईयूपीएसी के हिसाब से कोई एक ही होगा जो एप्रोप्रिएट होगा। तो 9 हो गए, चलिए चलते हैं नंबर 10 की तरफ। आपको लास्ट कुछ क्वेश्चंस करा दूं फिर चलते हैं हम, क्योंकि सारा मैटर यहां पे कवर हो चुका है। और क्या हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ बी आर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहां लगा लेता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री,
सी ओ एच और क्या हो सकता है बी आर, बी आर लगाऊं, चलो ये लगाता हूँ, यहाँ ओ सी टू एच फाइव और यहाँ लगा लेते हैं ओ सी एच थ्री। चलिए अब आप इसकी नेमिंग करिए, सारे फंक्शनल ग्रुप इसमें मैंने लगा दिया, ट्राई करें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इसमें, ट्राई करें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, इधर टू जाने पे आपको मिल रहा है ऐसा ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ऑयल हैलाइड, इसका नाम पड़ता है हैलोफॉर्माइल, तो इसका नाम पड़ेगा ब्रोमोफॉर्माइल। ठीक है, जब एसिड हैलाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो बोलते हैं हैलोफॉर्माइल, तो ब्रोमोफॉर्माइल। और इस तरफ आपको मिल रहा है एल्डिहाइड, इसका नाम पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्माइल। तो किस तरफ चलना बेटर है, इस तरफ, बाकी सब्स्टिट्यूएंट तो हर जगह ही है यार, इस तरफ आपको टू नंबर पे ब्रोमोफॉर्माइल, तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कुछ नहीं याद करने वाली चीजें। थ्री पे है आपको दिख रहा है एस्टर, एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, यहां पे मिथाइल है तो बनेगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, ये आपको कौन सा ग्रुप मिल रहा है, ये ईथर है, ईथर के लिए यूज करोगे इथॉक्सी, ये भी ईथर है, ईथर के लिए यूज करोगे मिथॉक्सी। हो गए सभी सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, चलो अल्फाबेटिकली नाम लिखना स्टार्ट करें सब्स्टिट्यूएंट का, सबसे पहले यही मिलेगा टू ब्रोमो फॉर्माइल, बी हो गया, सी से कुछ है नहीं, डी से नहीं, ई से, तो फोर इथॉक्सी, एफ जी एफ से फॉर्माइल, सिक्स फॉर्माइल, जी एच आई जे के एल एम, एम से ये है मिथॉक्सी, वो है मिथॉक्सी कार्बोनिल, तो पहले इसको लेंगे डैश फाइव मिथॉक्सी, डैश थ्री मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये सब क्या बन गए सब्स्टिट्यूएंट, सब अपने आप में फंक्शन ग्रुप थे, एसिड हैलाइड फंक्शन ग्रुप हैलो फॉर्माइल, एस्टर फंक्शन ग्रुप एल्कोक्सी कार्बोनिल, ईथर फंक्शन ग्रुप एल्कोक्सी एल्कोक्सी और एल्डिहाइड फॉर्माइल। अब मेन चेन किसकी है, बेंजोइक एसिड, सो वी विल राइट बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया, तो बच्चों इस तरह से आप एरोमेटिक कंपाउंड्स का, बेंजीन के कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। तो यहां पे आईयूपीएसी का मेन लेक्चर खत्म हो गया, इसके बाद दो चीजें बची हैं विच इज नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड, तो वो भी हम कवर करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।